मैं दुर्गमासुर अमर हूँ, अजय हूँ, शक्तियों की महाशक्ति हूँ, कालों का काल हूँ, विधि का विधाता हूँ, मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता, मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। दुष्ट दैत्य दुर्गमासुर का अंत कर हम सबको मुक्ति प्रदान की। आज से आपका दुर्गा नाम सार्थक। माता, आपके दुर्गा नाम की महिमा से हम सब भली भांति परिचित हैं। भयानक कष्ट में पड़ा व्यक्ति केवल एक बार आपका नाम दुर्गा पुकारने पर अपने भयानक कष्टों से मुक्ति पा जाएगा। दुर्गमासुर संहारक शक्ति माता माँ जगदम्बा की जय। देव रक्षक शक्ति माता की जय। दुर्गमासुर संहारक शक्ति माता जगदम्बा की जय। जय शिव शंकर। ज्ञान की समस्त धाराओं, वेद शक्तियों, आपको कष्ट पहुंचाने का दोषी मैं हूं। मुझे क्षमा की नहीं दंड की आवश्यकता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साम, मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए मुझे। नहीं दैत्य गुरु, आपने स्वयं दंड की अभिलाषा करके अपने पापों को क्षम्य बना लिया है। दंड से बड़ा होता है प्रायश्चित, इसलिए स्वयं आप अपने पापों का प्रायश्चित करें दैत्य गुरु। भगवान शिव शंकर अपने भक्तों से कभी रुष्ट नहीं होते, आप उन्हीं की आराधना करें, वे अवश्य आपका उद्धार करेंगे, वे शरणागत वत्सल हैं। प्रायश्चित भाव से प्रकट होने वाले महापापी को क्षमा कर देना ही वेद ज्ञान है दैत्य गुरु। जय शिव शंकर। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। परार्थ पर ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञान की शक्ति वेद गणों, दुष्ट दैत्य दुर्गमासुर ने जिस प्रकार आपको अपमानित और प्रताड़ित किया है उसके लिए हमें दुख है। स्वामी, इस स्थिति का मुझे पूर्व अनुमान था। मैंने वरदान से पहले ही दुर्गमासुर का अंत करने का आग्रह किया था। देवी पार्वती, उस विषय को तो स्वयं भोलेनाथ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। एक तपस्वी को उसकी तपस्या के प्रतिफल से वंचित करना हम त्रिदेवों के कर्तव्य के विरुद्ध है। हम दुर्गमासुर को वरदान में वेद प्रदान करने को विवश थे। ब्रह्मदेव, त्रिशक्तियों के कर्तव्य से मैं स्वयं अलग नहीं हूँ। अपनी बात स्पष्ट करें देवी पार्वती। स्वामी,
हम सब तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल देने के लिए विवश हैं, किंतु जब हम किसी भी तपस्वी को वरदान देते हैं तो एक बंधन अवश्य लगा दें। कैसा बंधन? कि उन्होंने यदि वरदान में प्राप्त दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग किया तो उनकी वरदानी शक्ति नष्ट हो जाएगी। हम देवी पार्वती के कथन से पूर्ण सहमत हैं। वेद मात्र दिव्य ज्ञान नहीं अपितु देवताओं का सम्मान है, सृष्टि का मूल आधार है। इन्हें कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट वास्तव में हमें कष्ट पहुंचाता है, अतः हमें भविष्य में किसी भी तपस्वी को वरदान देने से पूर्व गंभीरता से विचार करना। वेदगण, हमें अपनी भूल का आभास हो गया है, कृपया क्षमा करें। ऐसा कहकर हमारा अपमान न करें परमपिता। हुआ वही जो विधि का विधान था, हमें अपने कष्टों का तनिक भी दुख नहीं। हे परमपिता, अपितु हमें प्रसन्नता है कि एक दुष्ट शक्ति के अंत का कारण हम वेदगण बने। दिव्य ज्ञान के स्वामियों, आपके विचार भी दिव्य हैं। अब आप सभी ब्रह्मदेव के कर कमलों को पुनः सुशोभित करें। ओम नमः शिवाय।